हेलो एवरीवन, आई एम एम के एन एयर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आप सभी को पता है कि MIUI 13 के ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसके कई सारे सिस्टम के एप्लीकेशन और अपडेट फीचर्स निकल के सामने आ रहे हैं। और अभी ये जो मैं रोम यूज कर रहा हूँ मेरे Mi 11X के अंदर, इसमें कई सारे MIUI 13 के फीचर्स को एक्टिवेट किया गया है, जिसका अभी आपने स्टार्टअप में लुक देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रोम के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ, क्या है रोम, कैसा है परफॉर्मेंस, किस टाइप से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे, और साथ ही साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है और मैं आपको इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। माई डिवाइस में आप देख सकते हो कि MIUI का वर्जन लिखा हुआ है MIUI VN 12.5 21.7.7 बीटा। ये जो कि अभी लेटेस्ट वीकली अपडेट आया है चाइना का यू का, उसी पे ये बेस्ड है चाइना के ऊपर, और कई सारे आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डिवाइस नेम में आप देखोगे कि मेरा अकाउंट नेम और डिवाइस नेम दोनों मर्ज है, जैसा कि चाइना रोम में दिखाई देता है, और ये काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर बेस्ड है। और कुछ अलग से फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस रोम का अपडेट का रिव्यू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है, तो लास्ट तक जरूर वॉच करें। ये आपको एंड्रॉयड 11 पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है जो कि 2021.7.1 का है, जो कि अभी तक किसी भी डिवाइस को नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लिप का ही ऑफिशियल कर्नल यूज किया गया है, बाकी वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेम MIUI अकाउंट आपको सबसे ऊपर टॉप पे देखने को मिल जाएगा, जिस पे टैप करते हैं तो बाकी सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम कार्ड, जिसके अगर हम आते हैं सिम सपोर्ट के ऑप्शन पे और नेटवर्क प्रीफर पे, तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप मैनुअली सिलेक्ट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। आप नोटिस कर पा रहे हो जो बैटरी का आइकन है, जो कलर है, ये ब्लू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपको पता है MIUI 13 में एक नया फीचर्स आने वाला है जिसे आप परफॉर्मेंस वगैरह को कंट्रोल कर पाओगे, तो ये फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो बैटरी सेवर के बारे में आपको पता ही है, अल्ट्रा के बारे में पता ही है, बट एक नॉर्मल आपको बैलेंस ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा ये बैटरी का कलर ऐसे ही रहता है, यानी बैलेंस परफॉर्मेंस दिया जाता है। बट आपको बूस्ट करना है तो आप परफॉर्मेंस मोड को सेट कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी एडवांस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मैनुअली मैनेज कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर और यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। बट ये जो MIUI 13 का फीचर्स है, इस रोम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिवेटेड मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। साथ साथ आपके पास 5G डिवाइस है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो नेटवर्क वगैरह को, और कंट्रोल भी कर पाओगे। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा। बट रिंगटोन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिफाई सर्विस, जो कि कुरियर वाला का रिंगटोन रहता है, यह स्पेशल चाइना का फीचर्स है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्टिवेटेड आपको नजर आता है। ऑलवेज ऑन के अंदर यहाँ पे आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है कलर्ड का और यहाँ पे मोनोक्रोम का, जो कि अगर आप ऑलवेज ऑन यूज करते हो तो वहाँ पे जो ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं उसके कलर को आप यहाँ पे मॉडिफाइड कर पाओगे। तो ये भी MIUI 13 में हमें देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको एक्टिवेटेड मिलता है इस रोम की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी इफेक्ट्स वगैरह के बारे में तो आपको पता ही है, AOD से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल ही जाती है। यहाँ पे आपको नया चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, तो अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज पे डालते हो तो आपको यहाँ पे नए कलर में चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव भी है, और ये फास्ट चार्जिंग को फुल्ली सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन में देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो आपको पता है कि ये 120 और 60 को सपोर्ट करता है, बट इस रोम की ओर से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि 120, 90 और 60 है। तो अपने मर्जी के साथ किसी पे भी स्विच कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी यूज न्यू फॉन्ट्स का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे साइज वगैरह को आप कंट्रोल कर पाओगे। साउंड एंड प्रोफाइल, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाता है, जो कि नोटिफिकेशन वॉल्यूम कंट्रोल है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है, OS है, जिनमें स्पेशली नोटिफिकेशन कंट्रोल दिया जाता है, और ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी हम रिंगटोन को कम करते हैं तो भाई हमारा नोटिफिकेशन कम हो जाता है, नोटिफिकेशन कम करते हैं तो रिंगटोन कम हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे मेरे पास ये सैमसंग का डिवाइस है, जिसमें ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है नोटिफिकेशन वगैरह को कंट्रोल करने का और रिंगटोन का, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिससे मैं नोटिफिकेशन को डाउन रखता हूँ और रिंगटोन को फुल पे रखता हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जो कि आपके काफ़ी काम यहाँ पे आने वाला है। बाकी वही सारे आपको कॉमन ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन के अंदर फोल्डर का ऑप्शन जो कि चाइना का फीचर से और यहाँ पे मिलता है और एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब भी आपके पास कोई अनवांटेड या बहुत सारे मैसेज आएंगे जो कि अनइम्पॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं और एक जगह फोल्डर पे रहता है ताकि आपका जो नोटिफिकेशन एरिया है वो क्लीन रह सके। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल के अंदर डिसेबल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आते हैं जो कि बहुत सारे जिसको पसंद नहीं आते अगर वो उनके पास स्मार्ट एप्लीकेशन नहीं है तो उसे आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्मार्ट और यहाँ पे स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं सेम, बट स्टेटस बार में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो कितने नोटिफिकेशन आइकन यहाँ पे शो होने चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि टाइमिंग के साथ मॉर्निंग लिखा आता है, इवनिंग में इवनिंग रहता है, नाइट में नाइट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो कि चाइना का फीचर से यहाँ पे हमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन शॉर्टकट जो कि आप सर्च रख सकते हो या फिर यहाँ पे सेटिंग रख सकते हो, लेकिन ये कब काम करेगा जब आप है जो यहाँ पे MIUI 11 का लुक या 12 का लुक इनेबल करोगे कंट्रोल सेंटर को हटा के, तभी यहाँ पे रो एंड कॉलम भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन वही ओल्ड वाला लुक पे रखना पड़ेगा। बाकी नॉच हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इंडिविजुअल ऐप का ऑप्शन मिलता है और वेदर के अंदर आप डिस्क्रिप्शन और वेदर सिटी वगैरह भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिटी नेम वगैरह और डेट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स आपको नोटिफिकेशन एरिया में देखने को मिलता है। अब आते हैं होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे भी काफी कुछ नया नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि पावर मेनू, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आपको पावर मेनू चाहिए वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। अगर आपको 12.5 का चाहिए तो आप वहाँ पे इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको पावर मेनू 2 पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। MIUI 13 में आपको एडवांस टाइप का देखने को मिलता है जो कि MIUI 12.5 टाइप का ही मैचेज है, जो कि बीच में एक मॉड्यूल के थ्रू से भी ये फीचर्स हम एक्टिवेट कर पा रहे थे, तो ये आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो डिसेबल करना तो डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐप सर्च बाय प्रोवाइडर भी आप रख सकते हो, डिफॉल्ट का या फिर ब्राउजर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हाइड कर सकते हो सभी एप्लीकेशन के जो नेम होते हैं ना वो, तो देख सकते हो कितना है जो गैप देखने को मिल रहा है। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ये चीज़ आप मैनेज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे शैडो लगा सकते हो हर एक एप्लीकेशन जो है उसके बैकग्राउंड पे, जो कि आप देख सकते हो कुछ पे दिखाई दे रहा है कुछ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी काफ़ी सही दिखाई देता है। यहाँ पे सर्च बार लेवल हटा सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेशिंग और ऑटोमेटिक क्लोज फोल्डर सिग्नेचर जो कि आपका जो ऐप्स के नाम होते हैं जो कि काफ़ी लंबे होते हैं तो वो रन करते हुए नजर आ रहे हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इस ऑप्शन से। तो 2 लाइन 1 लाइन या रनिंग लाइन ये आप कंट्रोल कर पाओगे। फोल्डर के अंदर कितने आइकन शो होने चाहिए वो चीज़ें, यहाँ पे असिस्टेंट के रूप में क्या रखना है वो आप कंट्रोल कर पाते हो। छोटे मोटे जो एनिमेशन होते हैं जैसे कि एप्लीकेशन को ओपन करना क्लोज करना, फोल्डर ओपन क्लोज करना, वो चीज़ आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। डबल टैप का आपको फीचर्स मिलता है और स्वाइप अप का, जिसमें कई सारे एक्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है, बट आते हैं अब स्टैंडर्ड ऑप्शन के ऊपर जो कि आप लोग यूज करते हो। यहाँ पे जो डिस्कवर है गूगल का ये पहले काम नहीं करेगा, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, उसके बाद ये आपके लिए वर्किंग हो जाएगा और आप गूगल डिस्कवर यूज कर पाओगे। और यहाँ पे जो आपको ऐप वर्ल्ड देखने को मिलता है ये आपको यहाँ पे EU की तरफ से देखने को मिलता है, चाइना वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ आप एक को एक एडवांटेज मिलता है। होम स्क्रीन पे आप सर्च बार रखो या फिर ऐड कर सकते हो। ये जो सिस्टम नेविगेशन बार है यहाँ से ये काम नहीं करता है, तो इसे आप एक बग समझ सकते हो, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे एडिशनल पे, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल वगैरह है जो कर पाओगे और अच्छे तरीके से काम भी करता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अरेंज आइटम, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप ISO और बाकी अदर चीज़ों जैसा इनेबल कर पाओगे और अच्छे तरीके से काम भी करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है और ये आपको काफ़ी पसंद भी आने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे क्यूब रखना है तो कुछ उस तरीके से भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है VR का ऑप्शन जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है, तो कई सारे रिसेंट एनिमेशन दिए गए हैं जो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे, लेकिन आप जैसे वर्टिकल रखते हो इस पर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एक क्यूब का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख पाओगे, बाकी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको जो भी एक्शन पसंद आता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम भी करता है। बैक चलते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे पासवर्ड फिंगरप्रिंट वगैरह जो कि अच्छे से वर्किंग है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी जो कि MIUI 13 का फीचर्स है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दिया था कि आप कैसे विदाउट रोम चेंज किए हुए एक्टिवेट कर पाओगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसे ऑन करने के बाद आप विदाउट पासवर्ड डाले हुए अपने फ़ोन को रिपूट या रीस्टार्ट नहीं कर सकते, ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्रीन लॉक आप कंट्रोल कर पाओगे। फाइंड डिवाइस के अंदर आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपका बैटरी जब लो होगा या फिर स्विच ऑफ होगा तो लास्ट लोकेशन को सेव कर देगा, ताकि आप बाद में चेकआउट कर पाओ कि लास्ट टाइम आपका फ़ोन कहाँ पे ऑफ हुआ था। बाकी इमरजेंसी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा,
सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। बाकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सेम पहले जैसा ही है। और बैटरी में मैंने आपको बैलेंस वगैरह तो आपको बता ही दिया है। एप्लीकेशन में आपको सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल का ऑप्शन, साथ साथ यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन मिलता है और ये सभी थीम्ड आपको देखने को मिलते हैं। आप देखोगे यहाँ पे नए आइकन नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लुक में दिखाई देता है। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको रीजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो जो भी आपको रीजन यहाँ पे यूज करना है वो रीजन आप यहाँ पे रख सकते हो, तो सारे रीजन का सपोर्ट है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि होम स्क्रीन में होना चाहिए बट यहाँ पे है। यहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको डबल टैप वगैरह का ऑप्शन मिलता है और ट्रिपल टैप का, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइलेंट कर रखा है अभी, तो ये भी हमारा काम कर जाता है अच्छे तरीके से और कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बाकी वॉल स्पीकर और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल फीचर्स में आते हैं तो वही आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर लाइट मोड, जिसका UI चेंज हो चुका है। ये जो आपको लुक देखने को मिल रहा है ना, इसमें एक मोबाइल फ्रेम लगा हुआ रहता था जिसे रिमूव कर दिया गया है, तो ये आपको नया इम्प्रूव देखने को मिलेगा। बाकी फ्लोटिंग विंडो और यहाँ पे टूल बॉक्स और गेम टर्बो में ज़्यादा कुछ चेंज नज़र नहीं आता। जैसे कि अगर मैं टूल बॉक्स की बात करूँ तो डॉल भी मिल जाते हैं, पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है, इनहेंस का ऑप्शन मिल जाता है, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हर बार देखने को मिलता है बाकी MIUI पे, कभी कहीं थोड़ा कम कहीं सिमिलर, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। जो कि इतना स्कोर तो मुझे स्टेबल चाइना में भी देखने को नहीं मिला था जो मैंने रिव्यू प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट निकल के आता है। और इस बार इसने हीटिंग को भी काफ़ी कम गेन किया है और बैटरी ड्रॉप भी कम किया है, तो इस रूम के अंदर आपको हीटिंग काफ़ी अच्छा मैनेज मिलेगा और बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा अच्छा मिलने वाला है। बाकी गेम टर्ब में वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीड मीटर जो है और बाकी वॉइस चेंजर वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगा है। और फाइल मैनेजर भी यहाँ पे अप टू डेट हो चुका है जो कि MIUI 13 के फीचर्स के साथ यहाँ पे आता है। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो ये पहले रीड करेगा, इसके खुद का जो गेट ऐप वगैरह है वहाँ से चेक करेगा कि ये है जो आपका ऑफिशियल है या मोडेड है, मोडेड है कुछ इश्यूज वगैरह है या नहीं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो कैंसिल करके इनके स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो यहाँ से फोर्सफुली भी आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे कुछ इस तरीके से। तो जो इंस्टॉल का प्रोसेस है ये यहाँ पे चेंज हो चुका है और थोड़ा बहुत सिक्योर भी हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी फाइल मैनेजर के सारे फीचर्स आपको पहले जैसे ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे वीडियो और प्ले स्टोर वगैरह आपको पहले से देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है, बट एक छोटी सी कमी मैं कहूँगा प्ले स्टोर से रिलेटेड, वो ये कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम डिवाइस जो सर्टिफाइड नहीं रहता, तो आपको इसे फिक्स करना पड़ेगा अगर आप बैंकिंग के ऐप वगैरह यूज करने की सोच रहे हो तो। बाकी अदर चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप वगैरह, तो यहाँ पे मैंने ऐप्स इंस्टॉलेशन तो आपको शो कर ही दिया है किस तरीके से देखने को मिलता है, और ये है AnTuTu जो मैंने आपको शो कर दिया, और ये है CPU टोटल जिसे मैंने 15 मिनट तक रन किया था और यहाँ पे 76% देखने को मिला रिजल्ट, और बैटरी मेरा था 41%। तो ये है फर्स्ट टाइम का, एक बार और मैंने चेक किया जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिंगल कोर और मल्टी कोर का रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छा खासा निकल के आता है और काफ़ी सही भी है। यहाँ पे L1 का सपोर्ट मिल जाएगा तो अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स में आपको दिक्कत नहीं आने वाला, और ये CPU क्लॉक जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया। और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि क्यूब का रिसेंट का ऑप्शन मैंने आपको शो कर ही दिया है, और ये है सेकेंड टाइम जब मैंने इसे बैलेंस के अलावा परफॉर्मेंस मोड में डाल रखा है। आप देख सकते हो तो बैटरी का कलर चेंज है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 79 पे पहुँच गया था और बैटरी मेरा 85% था और बिल्कुल ही फ़ोन कूल डाउन था, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो कोई भी यहाँ पे जो ड्रॉपिंग देखने को नहीं मिला है, तो गेमिंग के टाइम में आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है और आपके काफ़ी बेनिफिट होने वाला है अगर आप गेमिंग करने वाले हो या लेटेस्ट फीचर्स को यहाँ पे आप यूज करने वाले हो तो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। और यहाँ पे जो आपको कैलेंडर देखने को मिलता है ये आपको MIUI का ही देखने को मिलता है, जो ग्लोबल इंडिया में मिलता है वो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये एक आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। म्यूजिक प्लेयर सेम है बट इसका आइकन आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो थीम स्टोर है आपको चाइना वाला थीम स्टोर मिलता है और सारे फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो गैलरी वगैरह दिया गया है और जो फोल्डर व्यू दिया गया है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको लेटेस्ट मिल जाता है। कैमरे के अंदर कुछ खास बदलाव वगैरह नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलता है। तो ये रहा पूरा डिटेल इस रोम का, रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए स्विच करते हैं हम अपने कस्टम रिकवरी की ओर, देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। रिकवरी के ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप वाइप पे जा सकते हो, एडवांस वाइप पे या जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करके आपको स्वाइप कर देना है, या आप इसे इग्नोर करके डायरेक्ट आते हो इंस्टॉल के ऑप्शन पे। और ये जो आपको रोम देखने को मिल रहा है MIUI VN K40 F3 Elite 21.07.07, इसे सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है, ठीक है।
कंप्लीट स्वाइप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा वाइप होने में, फ्लैश होने में, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद अगर $30 पे आप ओल्ड वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको बैक आना है, एडवांस पे जाना है, रैम डिस्क पे जाना है और इस $30 पे इमेज फाइल को दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन आपने अपडेट कर रखा है तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं VN से VN पे ही स्विच कर रहा हूँ और मुझे इस रोम को अभी तक यूज करना है। लेकिन आप किसी भी अदर रोम से स्विच कर रहे हो इस रोम के ऊपर तो आपको लास्ट में फॉर्मेट करना जरूरी है, अदरवाइज रोम बूट नहीं करेगा और आपको बूट लूप देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको फॉर्मेट करना है और अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है और आपका कुछ देर में फ़ोन ऑन हो जाएगा और सेटअप करके आप यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर डिटेल दे दिया है इस OS के बारे में और आपका क्या है ओपिनियन आप कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।